Hello everyone, this is Siddharth Sidani and today a discussion on Starstock. Starstock जब कहते हैं तो both the letters word starts with S और आज जो stock है वो भी S से ही शुरुआत है. SAIL, Steel Authority of India, महारत्न कंपनी है. PSU segments में, public sector undertakings में मुझे लगता है कि 65% government of India की holding, 5 integrated steel plants है और 3 स्पेशल अलॉय स्टील प्लांट है. स्पेशल स्टील प्लांट जिसे हम कहते हैं सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्राइम ट्रिगर्स समझते हैं. विजन 2030, 2030 का इनका विजन है, सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर, सबसे सस्ता स्टील प्रोड्यूसर और 50 मिलियन टन की कैपेसिटी बनाने वाला है. सेल का विजन है 2030, दूसरा प्राइम ट्रिगर एक्सपोर्ट से. कोविड टाइम्स में देखा गया एक्सपोर्ट जोरदार किया है, 1.52 मिलियन टन का एक्सपोर्ट किया गया कंपेयर टू 0.85 मिलियन टन ऑन अ वाईवाई बेसिस. साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डेट के रिडक्शंस बहुत जोरदार हो रहे हैं. 14% डेट रिडक्शन वाज डन इन Q3 FY21 कंपेयर टू वाईवाई बेसिस. ये स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स है. फाइनेंशियल्स को आइए समझते हैं. रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 62,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू था FY20 में, जो 74,000 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है FY22 में. प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 1900 करोड़ का प्रॉफिट थे FY20 में, जो हो सकते हैं 4500 करोड़ इन FY22. इस साल में भी 4200 करोड़ के आसपास पहुंच सकते हैं, डबल से भी ज्यादा अगर FY22 के प्रॉफिट की उम्मीद की बात करूं. EPS की बात करूं तो जो 4.7 का हुआ करता था FY20 में, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10.9 रुपीज इन FY22, डबल से भी ज्यादा. ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन से. मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 3% प्रॉफिट मार्जिन थे वो डबल हो सकते हैं 6% का. अब समझते हैं सेल का टारगेट क्या होना चाहिए. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टारगेट होना चाहिए 94 रुपीज. दिस इज अ स्टार स्टॉक फॉर यू, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अ महारत्न कंपनी. थैंक यू.